और सुभाष बराला अगर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो निस्संदेह बहुत बड़े पद पर आएंगे, क्या पता कौन सा पद हमारे हम लेकिन मैं मेरी अगर दिल की भावना की बात करूँ, मैं तो साफ शब्दों में कहता हूँ कि टोहाना विधानसभा से चुनाव माननीय सुभाष बराला को ही लड़ना चाहिए, क्योंकि सुभाष बराला आज पूरे देश में एक बहुत बड़ा चेहरा है। अब भाई पास सबको पता है कि किसने बनाया, और छोटा सा टुकड़ा बीच में एक रह गया था, वो भी पूरे शहर को बताओ टुकड़ा जमीन किसकी थी और किसने किसकी कृपा के साथ वो कहाँ कृपा रुकी हुई थी, सबको पता ही है इस बात। कुछ समय लोगों ने झाड़ू भी मारी, एक दो दिन जाके समय पर मतलब झाड़ू मार के सफाई करी सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए। 50,000 मुझे आंकड़ा अच्छे से याद नहीं, इतने विद्यार्थी फर्जी पाए गए, सरकारी स्कूल में विद्यार्थी थे ही नहीं, उनकी फीस ली जा रही थी, उनका मिड डे मील खाया जा रहा था। कार दोस्तों आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ में करण सिंह समैन, और लगातार आपको मिलवा रहे हैं टोहाना विधानसभा के नेताओं से, उनसे जान रहे हैं राजनीति में आने का उद्देश्य और राजनीति में रहकर क्या क्या अचीवमेंट उन्होंने प्राप्त की है और क्या उनके मन में आगे चल रहा है टोहाना विधानसभा को लेके। तो आज हमारे साथ हैं भाजपा मंडल महामंत्री बलदेव सैनी जी, तो इनसे जानेंगे क्योंकि लगातार राजनीति के अंदर सक्रिय रहते हैं और कई मुद्दों पर बोलते हुए इनको आपने सुना होगा, तो इनसे जानकारी प्राप्त करेंगे क्योंकि मैडम नीरू सैनी वाइस प्रेसिडेंट हैं टोहाना नगर परिषद से, तो लगातार राजनीति में काफ़ी सक्रिय हैं, भाजपा के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं, तो जानकारी इनसे प्राप्त करेंगे कि इनका राजनीति में आने का उद्देश्य क्या था, क्या मकसद से ये जो राजनीति के अंदर आए हैं। तो सबसे पहले बलदेव जी आपका रियल न्यूज़ पे स्वागत है। नमस्कार करण जी। तो सर क्या जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को कि आपका जो राजनीति में आने का उद्देश्य क्या था और राजनीति में जो कदम रखा आपने क्या सोच के रखा है? देखिए राजनीति में मैं तो कहता हूँ हर जागरूक व्यक्ति को राजनीति में होना चाहिए। 1983-84 में लाल बख्शी राम गुप्ता जी ने टोहाना से चुनाव लड़ा था जनसंघ से जी। उस समय मैं 9th क्लास में पढ़ता था जी। और वो हमें बिल्ले दे दिया करते थे, पर्चे देते थे, हम नारे लगाते थे, उनका ट्रैक्टर का निशान था। तो फिर इस तरह से आगे भारत इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से मेरा परिवार जुड़ा हुआ था। कामरेड हरपाल उस समय टोहाना के विधायक का चुनाव लड़ा था और पहली बार मैं इंडियन नेशनल लोकदल का मैं एजेंट टोहाना से बना था। उसके बाद 91 का चुनाव आया, 96 में सरदार निशान सिंह विनोद बढ़िया जी के साथ रहे, फिर 99 में सरदार निशान सिंह के साथ हमारा एक सफ़र था जो परिवार का, वो इंडियन नेशनल लोकदल के साथ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ रहा। लेकिन ऐसी विडंबना हुई कि इंडियन नेशनल लोकदल और उनका पारिवारिक कलह की वजह से दोफाड़ हो गई और हम लोगों ने 2019 की शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी हमने ज्वाइन कर ली माननीय सुभाष बराला जी के नेतृत्व में, क्योंकि माननीय सुभाष बराला जी के साथ मेरे बड़े अच्छे संबंध शुरू से रहे और बहुत अच्छे नेता हैं वो, और ऊपर हमारी जो सरकार थी माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो विश्व के सबसे बड़े नेता के रूप में हैं आज भी, तो उनकी नीतियों से प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। और राजनीति में आने का मकसद यही रहा कि लोगों की हम सेवा कर सकें। मैंने हमारे सुभाष सैनी जी ने 1996 में जो मेरे हमारे वार्ड से हैं उसने चुनाव लड़ा नगर परिषद का, वो जीते, हम सब लोगों ने उस समय और भी सक्रिय रूप से राजनीति में हम रहे। फिर 2010 में सरदार निशान सिंह जी ने कहा कि चुनाव लड़िए, तो मैंने इंडियन नेशनल लोकदल के समर्थित एक पार्षद के रूप में मेरी मिसिज ने चुनाव लड़ा, हम जीते 2014 तक। फिर अब एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमने मेरी धर्मपत्नी नीरू सैनी ने चुनाव लड़ा और अच्छे हम मार्जिन से चुनाव जीते और मैं मंडल का महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाया गया। इससे पूर्व में मैं इनेलो में जिला का अध्यक्ष भी रहा, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का 2 बार, और यहाँ का मैं मंडल अध्यक्ष भी रहा। अब भारतीय जनता पार्टी का मैं मंडल महामंत्री हूँ और मेरी जो धर्मपत्नी है नगर परिषद की वाइस चेयरपर्सन है वो। माननीय सुहास बराला जी ने हमारे कार्य को देखते हुए, कार्यशैली को देखते हुए हमें आशीर्वाद दिया। मैं तो ये कहूँगा कि बराला जी ने ही हमें नगर परिषद के वाइस चेयरमैन का, भारतीय जनता पार्टी के हमारे एक छत्र नेता टोहाना जो विधानसभा है सुहास बराला जी हैं, उन्होंने हमें ये आदेश दिया कि आपको नगर परिषद में चेयरपर्सन की भूमिका निभानी है। तो मेरी धर्मपत्नी जहाँ सरकार के साथ काम करती है, मैं संगठन के साथ काम करता हूँ। सर बात करें, काफ़ी लंबा सफ़र है आपका राजनीति का, लगभग 30 से 35 वर्ष का आपका जो सफ़र है वो चल रहा है। वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, घर से आप प्रतिनिधि कर रहे हैं, भाजपा के जो मंडल के अध्यक्ष भी हैं,
तो जो विकास कार्यों की अगर बात करें तो किस प्रकार का जो कार्य चल रहे हैं, किस प्रकार की मन में टीस है, क्योंकि इतना लंबा सफ़र होने के बाद एक उच्च लेवल की राजनीति करने की भी मन में सोचता है इंसान, तो किस तरह? देखिए, समय समय पर हम जिन राजनीतिक दलों के साथ रहे, खूब काम किए हुए, हर राजनीतिक दल ने नेता रहे, जो टोहाना सिंह, चाहे सरदार निशान सिंह जी रहे, चाहे परमवीर सिंह, हरपाल सिंह, जो भी रहे, काम अपने अपने समय में सब ने किए। लेकिन हमारा जो मैं देखता हूँ 2014 से 2019 का समय मैं देखता हूँ, हालांकि मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी में नहीं था, बड़े लंबे समय से जो दोनों नहरों के बीच में एक गंदगी का साम्राज्य था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ से गंदगी हटाई जाए। लेकिन माननीय सुभाष बराला जी ने, देखिए आप कितना सुंदर वहाँ पर राय बहादुर कंवर सैन के नाम से एक कितना सुंदर पार्क बना है, लोग जाते हैं हज़ारों की संख्या में, बहुत बड़ा काम किया। स्टेडियम तो हाँ माधुआना में बना था किसी टाइम में, लेकिन स्टेडियम के नाम पे केवल वो चार दीवारी ही थी। आप जाके दमकोरम आप देखते हो, दमकोरम में जो माननीय सुभाष बराला के नेतृत्व में स्टेडियम बना, ये स्टेडियम प्रदेश का, हरियाणा प्रदेश के पहले दो स्टेडियम में आता है, गुड़गांव के बाद मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैं समझता हूँ। बाईपास सुनाई करते थे कि कुलाना से लेकर तो वहाँ तक बाईपास बनेगा, कोई बना ही नहीं। लेकिन बराला जी ने जैसे न्यूकम सुनते थे, न्यूकम कलोन कंपनी फैक्ट्री के पास से बनेगा, लेकिन कभी कागजों तक ही सीमित रहा, धरातल पर नहीं है। लेकिन बराला जी ने बनते ही देखिए कितना बढ़िया ये बाईपास निकाला है। और आप तो हालांकि नहर देखते हो, मैं रोकना चाहूँगा, बाईपास की चर्चा की है कुछ दिन पहले, पूर्व में कैबिनेट मंत्री और जेजेपी के विधायक हैं देवेंद्र सिंह बबली, उन्होंने कहा कि उनकी देखरेख में बाईपास बना है, बस स्टैंड बना है, और आप शायद चर्चा करेंगे 100-बेडेड हॉस्पिटल की, उन्होंने कहा कि उसके होते हुए उन्होंने वो लेके आए। देखिए ये अब मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ, टोहाना में हमने सरदार यशवंत सिंह वर्मा टोहानवी का द्वार बनाया, बराला जी ने शिलान्यास किया, बन गया। अब हम आए, हमने पूरा किया, लेकिन उसका उद्घाटन माननीय मंत्री जी, क्योंकि मौके पे थे वो। अब बाईपास सबको पता है कि किसने बनाया, और छोटा सा टुकड़ा बीच में एक रह गया था, वो भी पूरे शहर को बताओ टुकड़ा जमीन किसकी थी और किसने, किसकी कृपा के साथ वो कहाँ कृपा रुकी हुई थी, सबको पता ही इस बात का। देखिए माननीय सुभाष बराला जी ने बाईपास बनाया, पूरे शहर की जनता, पूरे विधानसभा की जनता, पूरे हरियाणा की जनता अच्छे से जानती है कि माननीय सुभाष बराला जी ने, ठीक है। अब आज माननीय जो मंत्री जी, उसमें उद्घाटन तो हुआ ही नहीं मेरे ख्याल से, इसका पब्लिक नहीं कर दिया। अगर हम बात कल्पना चावला पार्क की करते हैं, कल्पना चावला पार्क इतना सुंदर पार्क बनाया माननीय बराला जी ने बनाया, अगर उसकी देख रेख कर लेते, अब जिसने करनी थी, कुछ समय लोगों ने झाड़ू मारी, एक दो दिन जाके समय पर मतलब झाड़ू मार के सफाई करी, सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए, उसकी देख रेख नहीं की। लेकिन हमने नगर परिषद कि हमारे चेयरमैन नरेश बंसल जी ने कई बार MIT इसको इरीगेशन पत्र लिखा है कि ये पार्क जो नगर परिषद को दे दो, हम इसकी मेंटेन, लेकिन इसकी मेंटेनेंस अभी नहीं है, बहुत बुरा हाल है। अभी जो सफाई करवा रही नगर परिषद ही करवा रही है जी। आज तक इरीगेशन डिपार्टमेंट कुछ करता ही नहीं वहाँ पर जी। और वो ना नगर परिषद के अधीन है, और पूरे जो प्रशासन है वो मौजूदा समय के जो मंत्री है, विधायक है, नेचुरली स्वाभाविक रूप से उन्हीं के अधीन रहता है वो, तो वो देखें। टोहाना की जनता, अब वाइस प्रेसिडेंट हैं घर से, आप प्रतिनिधि हैं, किस प्रकार है जनता, कितनी संतुष्ट है, क्योंकि काफ़ी बार नगर परिषद में विरोध देखा जाता है, उसको लेके क्या? देखिए जहाँ तक बात संतुष्टि की है, टोहाना की जनता, आप पत्रकार हो, आप जाके शहर में गलियाँ देखिए, भाटिया नगर का जो रोड है नहर के पास धर्मशाला वाला, ये रोड कितने सालों से ऐसी टूटा पड़ा था। हमने आते ही मेरी धर्मपत्नी ने, नरेश बंसल चेयरमैन जी, लगभग 2.5-3 करोड़ के बजट से ये पुरानी तहसील तक रोड बनाया। जैन समाधि वाला रोड लगभग 70% बन के कंप्लीट हो गया, 30% का टेंडर लगा, वो टेंडर भी ओपन हो गया, वो खुल गया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चौक देखिए, पूरा जिला क्या लगा, पूरे हरियाणा में सबसे सुंदर चौक बनेगा, आप देख सकते हो कौन बनवा रहा है ये, आप देख सकते हो अच्छे से। उस शीतला माता मंदिर का जो हम भवन, हम मुख्य द्वार बना रहे हो, आप देख सकते हो। सैनी धर्मशाला में 50 लाख रुपए की, पहले 40 लाख रुपए माननीय सुभाष बराला जी दे गए थे, और 50 लाख नगर परिषद नरेश बंसल जी के नेतृत्व में दिए गए, वो हमने दिए। उसके साथ साथ भी शहर की बहुत सी धर्मशालाएँ ऐसी हैं, शिव स्वर्ग आश्रम भाटीनगर देख लीजिए, वहाँ भी चेयरमैन साहब ने नगर परिषद से पैसे दिया। ऐसा कोई वार्ड नहीं है जहाँ पर विकास कार्य ना चल रहे हो, और शहर के बीच में आप देख रहे हो डिवाइडर बन रहा है, कितना सुंदर डिवाइडर बन रहा है, तो ये विकास कार्य। सर, एसी को लेके अब कांग्रेस एक बड़ा अभियान लेके आई है कि हरियाणा मांगे हिसाब, तो उसमें आपको भी देना होगा हिसाब। हाँ देखिए, बड़ी हंसी भी आती है, देखो हिसाब देना चाहिए, मैं कहता हूँ बिल्कुल,
और हरियाणा सरकार तो पिछले 10 साल से हिसाब हर रोज दे रही है। आप देखते हो जितनी भी योजनाएं हैं वो पोर्टल पे हैं, ऑनलाइन है। आप जब भी जिस भी विभाग की हिसाब लेना चाहते हो पोर्टल पे जाइए, सब कुछ मिलेगा आपको। टेंडर किसने लिया है, कितने इसके जमा खर्च हुआ है, कितने राशि का टेंडर है, कितना खर्च, ऑनलाइन है हमारा। तो हमने तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने पोर्टल किया, पोर्टल सिस्टम लागू किया। आप देख सकते हो जो वृद्ध पेंशन थी वो पोर्टल हम ऑनलाइन लेके आए। उससे पहले क्या होता था कि जो मरे हुए लोग उनकी पेंशन भी आ जाती थी। 50,000 मुझे आंकड़ा अच्छे से याद नहीं, इतने विद्यार्थी फर्जी पाए गए। सरकारी स्कूल में विद्यार्थी थे ही नहीं, उनकी फीस ली जा रही थी, उनका मिड डे मील खाया जा रहा था। किसने रोका? ये हमारे पोर्टल ने माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हुआ। आज जितनी भी योजनाएं हमारी तो पोर्टल पे है। और कांग्रेस बार बार माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कहते हैं कि सरकार बन दी पोर्टल तोड़ूंगा। पोर्टल तोड़ने से क्या होगा? गड़बड़ करेंगे, क्योंकि जब तक पोर्टल रहेगा हिसाब तो ऑनलाइन पड़ा है। हमसे तो हिसाब हम तो भैया हिसाब कब का दे रहे हैं? हिसाब तो पिछली सरकारें दे, जब वहां पर केवल और केवल पर्ची खर्ची से लोग नौकरी लगते थे, वो लोग हिसाब देखो पैसा कहाँ गया। उन लोगों को हिसाब देना चाहिए जिन लोगों पर हर रोज ईडी छापे मार रही है, उन लोगों को हिसाब देना चाहिए। हैरान है हम तो कि वो लोग हिसाब मांग रहे हैं। अरे की भावना बता रहे हैं इसको तो जी, जो ईडी छापे मारे द्वेष की भावना से। देखिए मेरी बात सुनिए, अभी कुछ दिन पहले एक विधायक, पूर्व विधायक पकड़ा गया है जिसके घर में करोड़ों की राशि नकद मिली है, तो भैया हिसाब ना लें क्या उनका? ईडी ना जाए क्या उनके? वो तो आपसे हिसाब मांग रहे हैं सर, आप कह रहे हैं उनसे हिसाब लें। तो हमारी भी आप ईडी की बात कर रहे हो ना अभी, कि ईडी जाके अगर कम शिकायत मिलती है कहीं, अगर बलदेव सैनी के खिलाफ शिकायत मिलती है, करण सिंह के खिलाफ शिकायत मिलती है, तो ईडी जाएगी वहाँ? तो पहले भी जाती, तो पहली बार थोड़ी जा रही है। और हिसाब तो कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का हिसाब तो पोर्टल के ऊपर पड़ा है। जिसका मन चाहे अपना फोन उठाइए, उस डिपार्टमेंट की साइट पे जाएं, खोल कर देख ले। सर प्रोग्राम वो लेके आए हैं, कांग्रेस मांगे, हरियाणा मांगे हिसाब, और बीजेपी उन्हीं के घर पे ईडी भेज रही है, उन्हीं से हिसाब वसूल रही है। देखिए मैं पहले, कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी दल का, चाहे बीजेपी का है, चाहे कांग्रेस का है, जिस भी दल का है, जो गलत करेगा देखो उसको जांच होनी चाहिए। और वो लोग कानून है एक देश के अंदर, कानून अपना कार्य कर रहा है, सरकार अपना कार्य कर रही है। इसमें मैं, आप मेरे ज़्यादा अच्छे से आप समझदार हो। सर अभी बात कर लेते हैं टोहाना बीजेपी पार्टी की, नरेश बंसल जी चेहरे के रूप में आए हैं, रिंकू मान जी हैं, या वेद जांगड़ा जी का कुछ दिन पहले इंटरव्यू सुना था, और यहाँ से जो सुभाष बराला जी हैं पूर्व जिला प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं, राज्यसभा के अंदर चले गए, तो क्या मानते हैं? क्योंकि बीजेपी ने 2 महीने चुनाव के बचे हैं, कोई चेहरा नहीं उतारा है अभी तक, तो क्या मानते हैं इसमें? किसको चेहरा मान सकती है बीजेपी, या फिर किस पर दांव खेलेगी? देखो पहली बात तो कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे चुनाव की तैयारियाँ 5 साल चलती रहती हैं, हमारे तो मीटिंग जितनी है, हर चीज़ का डेटा हमारे पास, हर चीज़ का, हर बात की हमारे पास जानकारी। हमारे कार्यकर्ता हमेशा ही चुनावी मोड में रहते हैं, हमारे पास उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट देगी वो चुनाव लड़ेगा। लेकिन मैं, मेरी अगर दिल की भावना की बात करूं, मैं तो साफ शब्दों में कहता हूं कि टोहाना विधानसभा से चुनाव माननीय सुभाष बराला को ही लड़ना चाहिए, क्योंकि सुभाष बराला आज पूरे देश में एक बहुत बड़ा चेहरा है, बहुत बड़ा चेहरा, तभी उनको राज्यसभा सदस्य बनाया। 2-2 सीटों से तो चुनाव लड़ते हैं उम्मीदवार। मैं तो कहता हूं माननीय सुभाष बराला को टोहाना विधानसभा से उन्हीं को लड़ना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत ही सुलझे हुए नेता है, बहुत बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं। और भैया क्या पता प्रदेश स्तर की लॉटरी टोहाना की कब लग जाए, तो बराला जी खुद चुनाव लड़े थे, मेरा तो उनसे निवेदन है, बाकी पार्टी जिसको कहेगी। नहीं, आपके मन में भी होगा चुनाव लड़ने? नहीं नहीं, देखिए मैंने क्या कहा, देखिए लंबा सफर, मैं चुनाव, सर मैं 2-3 चुनाव लड़ चुका हूँ, मैं नगर परिषद जहाँ मेरा एवल है। हम विधायक की बात करते हैं, क्योंकि लंबा सफर हो, देखिए हमारा विधायक सुभाष बराला ही है। सुभाष बराला जी जिसको चाहेंगे, या मेरे तो इच्छा की खुद लड़े, वो जिसको चाहेंगे वही। सर ये तो देखिए बड़प्पन है आपका, बराला जी को आदर्श भी मानते हैं आप, लेकिन मन में कुछ तो इस प्रकार की बातें होंगी कि जरूर पार्टी एक बार विचार जरूर करे। भैया मेरे मन में तो ये एक ही बात है कि हमारी पार्टी जीतनी चाहिए, हरियाणा में हमारी सरकार बननी चाहिए, और सारे कार्यकर्ता हमारे उसमें लगे हुए हैं। और सुभाष बराला अगर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो निस्संदेह बहुत बड़े पद पर आएंगे। क्या पता कौन सा पद हमारे, हम अगर सुभाष बराला जी MLA बनते हैं तो मैं MLA ही हूँ, तो हमारा सारे कार्यकर्ता MLA हैं। नगर परिषद की बात करते हैं, हम नगर परिषद नरेश बंसल जी चेयरमैन हैं, हम सारे चेयरमैन हैं, क्योंकि वो कार्यकर्ता को अपना परिवार समझते हैं, अपने अपने जीवन का एक अंग मानते हैं। तो आप नायब सैनी जी मुख्यमंत्री हैं,
वो केवल भाजपा के मुख्यमंत्री थोड़ी हैं, कोई जाए वहाँ पर दरबार लग रहे हैं, लोग मिल रहे हैं, तो पूरे हरियाणा के वो नेता है, हर आदमी उनको मुख्यमंत्री मानता है। तो मैं तो यही कहूँगा भाई, सुहास बराला से बड़ा नेता हमारे पास कोई नहीं है जी। तो क्या अपील करना चाहेंगे टोहाना की जनता से? विधानसभा टोहाना में लगातार चुनाव आने वाले हैं 2 महीने बाद, तो क्या अपील? देखो मैं तो एक ही टोहाना की विशेषकर पिछड़ा वर्ग के लोगों से, क्योंकि मैं उस वर्ग से आता हूँ, उन लोगों से मैं एक ही अपील करूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा वर्ग के गरीब किसान व्यक्ति को प्रदेश का मुखिया बना दिया है। अगर इससे अलग भी बात करें, केंद्र में हमारे 3 मंत्री हैं, उसमें 2 मंत्री जो पिछड़ा वर्ग के हैं, चाहे राव इंद्रजीत सिंह जी हैं, वो भी हमारे बीसी के हैं, और चाहे हमारे कृष्णपाल गुर्जर हैं, और मुख्यमंत्री हमारे सैनी समाज से हैं। मैं देखूँगा पिछड़ा वर्ग से कि आज तक सारी पार्टियाँ पिछड़ा वर्ग की वोटों को केवल इस्तेमाल करती रही। मेरा सबसे निवेदन है कि सारे बीसी समाज एकजुट हो जाएं, और इस बार हम 32% कहते हैं, और दूसरे समाज के लोगों के पास जाकर अपील करें कि हम आपके आशीर्वाद से एक बार फिर जीतेंगे। तो मेरा बीसी समाज से निवेदन है कि बाकी समाजों के पास, जिन समाज सौहार्द है पूरे हरियाणा में, हम सारे एक हैं, लेकिन इस बार जिम्मेवारी बीसी समाज को मिली है, उसके लिए सारे जाकर लोगों से निवेदन करें, और सभी से कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, ताकि एक बार फिर हमारे नायब सैनी जी प्रदेश की बागडोर संभालें। थैंक यू सर। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बलदेव सैनी जी, और इन्होंने हर सवाल का जवाब दिया है, लेकिन जो चुनाव लड़ने की जब बात आई तो इनके मन में जो वो अपने थोड़ी हंसी के साथ जो जवाब को है वो टाल गए, चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर आई थी, लेकिन देखते हैं, पार्टी बीजेपी पार्टी है, किसी पर भी दांव खेल सकती है, क्योंकि बीजेपी पार्टी कभी किसी को नहीं बताती कि किसको चेहरा बनाया जाएगा, एकदम से चेहरे को उतार देती है। शायद बलदेव सैनी जी भी हो सकते हैं। तो नए नेता के साथ, नए विचारों के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।